एक व्यू देख लो, 3, 2, 1, चेक इट आउट। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम नैनीताल, बदो बदी। यहाँ पे फटना शुरू, यहाँ पे और फटना शुरू, पर कहाँ तक जाना है? इस प्राइस पे ये रूम मिलना और रूम का ऐसा नजारा, आई गेस वर्थ है ये। सो राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। एंड आज मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। एंड मे बी कैप्शन में, मतलब थंबनेल में तो आपने देख ही लिया कि मैं कहाँ आ रखा हूँ। सो अभी 10 किलोमीटर रह गया है नैनीताल ऊपर पहुँचने में, एंड वहाँ चल के बाकी सब बताता हूँ मैं आपको। पूरा 2-3 दिन जो जितना मैं स्टे करूँगा, बजट, खाना पीना, रहना, वो सब बताता हूँ। तो अभी चलते हैं, बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, आई होप फिर से अच्छा कॉन्टेंट दे पाऊँ। सो चलते हैं आगे। एंड यहाँ से नज़ारा चेक करो क्या है, पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है एकदम यहाँ पे। सो गाइज, ये रहा होटल रूम। रूम की स्पेस ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग इज दिस, जिसके लिए मैंने ये रूम लिया है, ये नज़ारा एकदम वर्थ इट है। एंड रूम की प्राइस की बात करूँ तो अभी मुझे पर डे का 2000 रुपीज़ पड़ा हुआ है, एंड आई गेस इस नज़ारे के साथ ये वर्थ इट है। सो गाइज, ये होटल जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, रोहिला लॉज, फर्दर रेफरेंस के लिए कभी किसी को आना हो तो। अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ खाना खाने के लिए, पीछे रेस्टोरेंट है, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। उसके बाद आई विल गो फॉर बोटिंग, उसके भी क्या चार्जेस रहते हैं वगैरह मैं आपको बता दूंगा। एंड बाकी जो रिव्यू दूंगा ना इस जगह का, दिल को छू गई है अभी तक जितना भी मैं घूमा हूँ। तो अभी आगे आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा पूरा दिन क्या करता हूँ मैं यहाँ, और अगर आप आ रहे हो तो आपको क्या क्या यहाँ पर करना चाहिए। तो अभी मैंने जिस रेस्टोरेंट में आया था, क्योंकि मैंने देखा था कि डाइनिंग स्पेस बहुत प्यारी है, तो मैंने आके पनीर टिक्का मंगवाया, रोल मंगवाया। ट्रस्ट में जितने का ये पड़ा था, मैंने मेरे मेन्यू चेक नहीं किया, इतने का दिल्ली में मैं 3 से 4 रोल खा लूँ, एंड टेस्ट भी अच्छा नहीं है। एक एडवाइस रहेगी, लोकल शॉप पर खा लेना, ऐसे फैंसी स्पेस के चक्कर में मत जाना कि फैंसी स्पेस से तो खाना अच्छा होगा, आपका कट जाएगा। चलो फिर इसको फिनिश करते हैं, इसके अलावा देखते हैं थोड़ा बहुत कहीं चिकन ढूंढते हैं। आप, मैं वेज ट्राई करने का शौक पड़ गया था, कट गया, ठीक है। सो अभी बोटिंग का प्लान फिलहाल थोड़ा मैंने डिले कर दिया। मैं आ गया था व्यू पॉइंट की तरफ, स्नो व्यू पॉइंट, एंड यहाँ आना अगर आप नैनीताल आ रहे हो ना तो यहाँ 100% आना, बिकॉज यहाँ पर आपको डिफरेंट गेम्स है, जिप लाइन है, आपको जिप साइकिल है, एंड मैं अभी करने वाला हूँ यहाँ पर 360 टावर। 360 टावर वो पीछे वाला है, वो उसमें ऊपर तक जाना है, एंड देन घूमते घूमते पूरा व्यू। साथ में यहाँ पे स्विंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे एक और कार्टिंग भी है, तो इस साइड आना एकदम वर्थ डिसीजन था अगर मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अभी ऊपर चलता हूँ, एंड जो भी इन्जॉयमेंट रहती है, बट एक ही चीज़ है, सोलो हूँ, जो रूट है यहाँ ऊपर आने का, दैट इज़ लाइक 60-70 डिग्री का, मतलब वो है स्लोप, तो बट सोलो है ठीक है, बट अगर फ्रेंड्स होते तो चीज़ें डिफरेंट होती, बट अभी अकेले हैं तो मज़ा करते हैं। इसीलिए क्लिप्स कम है ना, आप लोग बोलते हैं कि यार अपना चेहरा बार बार दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है, बट क्या करूँ, क्लिप्स लेने वाला है नहीं कोई जिसके साथ बकचोदी काटूँ की, या फिर वर्चुअल दोस्त इमेजिन करते और बड़ी क्या हाल चाल, ये भी नहीं कर सकता लोग हंसेंगे। तो अभी चलते हैं 360 पे, वहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ आपको। ये रहा स्विंग, जो मेरा करने का बहुत मन था, लेकिन मेरी फटती बहुत है, और इस हाइट पे स्विंग मैं तो नहीं कर रहा, विल सी क्या रिएक्शन रहता है भाई साहब। सो ये आ रहा है टावर 360 नीचे, अभी इस पर मैं ऊपर जाके आपको व्यू दिखाता हूँ पूरे नैनीताल का। सो अभी 360 ऊपर जा रहा है, एंड मैं आसमान की ऊंचाइयों में और ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ पे फटना शुरू, हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, एंड चेक करो ऊपर कहाँ तक जाना है, ये चेक करो अभी मैं कितना हाइट पे, फक। नैनीताल का नज़ारा टॉप से कुछ इस तरह का दिख रहा है, मैं बिल्कुल चिपक चुका हूँ टावर के साथ, क्योंकि मेरी हिम्मत ज़रा भी नहीं हिलने की, एंड पीछे से नैनीताल के पहाड़, उत्तराखंड के हसीन पहाड़। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बहुत पसंद आ गई नैनीताल जगह, लाइक
बहुत अच्छी जगह है। एंड आप लोग जब भी नैनीताल आओ एक व्यू देख लो, 3, 2, 1 चेक इट आउट, दिस इज ऑसम, दिस इज इनक्रेडिबल। मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ 360 टावर के एंड मेरे पीछे नैनीताल के पहाड़ी पहाड़ है। ये ऑलरेडी इतनी हाइट पे, मैं इस टाइम इतनी हाइट पे मैं बता नहीं सकता, मेरे हाथ कांप रहे लिटरली। अगर आप चेक करोगे नीचे, अगर फोन गया तो गया, वो रहा मेरे पीछे नैनीताल लेक। एंड अभी आपको नैनीताल का शहर दिख जाएगा, ये रहा पीछे, ये मैं रहा। एंड अगर ये नज़ारा पसंद है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं की थी तो भूल चुका हूँ मैं कंटेंट शूट करना, क्योंकि कॉलेज डेटा में इतना बिजी था, ब्रेक चाहिए थी मेरे को, इसीलिए मैं इस ट्रिप को किया है। सो ऑलमोस्ट नीचे आ रहे हैं अब हम, एंड मेरे पीछे आप रास्ता मतलब नज़ारा फेड होते हुए देख सकते हो, बट ये एक्सपीरियंस वॉज वर्थ इट। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो भी व्यू पॉइंट नैनीताल आए, टावर 360 यार मस्त मस्त है यार, महंगा नहीं है, 300 रुपये पर पर्सन है, थोड़ी बार्गेनिंग कर लो तो 250 में हो गया था। दिस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, लाइक थोड़ा सा डर, फुल नज़ारा, लाइक ऑसम। मेरे पास नहीं वर्ड्स कहने का कुछ यार, मेरे को पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट मैं यही कंटेंट डाल सकता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि बहुत प्यारा था यार ये, बस इतना कहता हूँ, बहुत प्यारा था। अभी मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, मतलब मुझे इस जंगल में जहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे अपना फेवरेट फ्रूट मिल गया है। एंड या इट्स नॉट पाइनएप्पल। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने इससे मीठी चेरी आज तक नहीं खाई है, मतलब दिस इज द बेस्ट क्वालिटी चेरीज आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, एक नंबर। अभी व्यू पॉइंट से वापस जा रहा हूँ मैं, एंड ये ढलान चेक कर लो। इस वीडियो में शायद ये ढलान दिखे ना ज़्यादा, बट दिस इज़ ऑलमोस्ट 60 डिग्री का एंगल है यहाँ का, एंड बाइक पे आना तो भाई रिस्की हो जाता है। सो इट्स टाइम फॉर बोटिंग, जो बेसिक चीज़ है नैनीताल की। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं चली मेरी, फिक्स प्राइस है 420 फुल राउंड का। तो अभी एक बार बोटिंग का पूरा चक्कर मार के आते हैं, एंड फिर रात को जो घूमना फिरना रहेगा मेरा, असल में अकेला बोल रहा हूँ सही बताऊँ तो, एक बंदा और होता ना तो थोड़ा मस्ती होता, एक अकेला आ रहा हूँ और घूमना फिरना चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम नैनीताल, बदो बदी। आई हैव टू डू दिस शिट बिकॉज आई एम सोलो, आई डोंट हैव एनीवन टू जस्ट डू अ गॉसिप फॉर यू गाइज। सो लाइफ जैकेट लग चुकी है, भैया ने बोला था कि नई जरूरत है, बट रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिक्स नहीं लेना है। चार चौथेली खान अगर नैनीताल आए और उसको यहाँ पे गाना बनाने को बाहर जाए तो क्या बनाएगा? चप्पू 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 नाओ 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 चप्पू नाओ चप्पू नाओ। अस्सलाम वालेकुम। सो दिन का आखिरी मील एंड आखिरी चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, यह डेजर्ट एक लेयर से यहाँ का सिम्स कैफे, अगेन ऐसे लेक व्यू के सामने, लास्ट मील आज का। अभी होटल जाके तुमको मैं सारी डिटेल देता हूँ कि दिन कैसा रहा और क्या क्या एक्सपेंसेस थे और क्या क्या चीज़ें ठीक हैं।